अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 124। हम सीख रहे हैं हेल्थ यानी सेहत। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ द हॉस्पिटल, इनमें से हॉस्पिटल कौन सा है। द हॉस्पिटल को जर्मन में क्या बोलते हैं। Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. आगे बढ़ते हैं। Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss zum Arzt gehen. इसके माने होते हैं मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Ich muss zum Arzt gehen. इसके माने होते हैं मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या जाना है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को आप किस तरह से कहते हैं। हॉस्पिटल को आप जर्मन में किस तरह बोलेंगे। Krankenhaus. Krankenhaus. आगे बढ़ते। Heidi trinkt nur Wasser. Heidi trinkt nur Wasser. इसके माने होते हैं Heidi सिर्फ पानी पीना। Heidi नाम है लड़की का। Heidi ट्विंक नोअर वासर, इसके माने होते हैं हाइडी सिर्फ पानी पीना। इसी जुमले को इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा। हाइडी ड्रिंक ओनली वाटर, हाइडी सिर्फ पानी पीना। आगे बढ़ते। इस नेक्स्ट सो फील श्निट्ज़ल लीजा। इस नेस्ट सू फील श्निट्ज़ल लीजा, इसके माने होते हैं लीजा बहुत ज़्यादा श्निट्ज़ल नहीं खाना। लीजा बहुत ज़्यादा श्निट्ज़ल नहीं खाना। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में। डोंट ईट टू मच श्निट्ज़ल लीजा, लीजा बहुत ज़्यादा श्निट्ज़ल नहीं खाना। जर्मन में किस तरह बोला जाएगा। इस नेस्ट सू फील श्निट्ज़ल लीजा। आगे बढ़ते। मिला ट्रिंक कीने मिल्च बिटे। पहले इसको हम तरतीब से लिखते हैं। मिला ट्रिंक कीने मिल्च बिटे। मिला ट्रिंक कीने मिल्च बिटे, इसके माने होते हैं मिला दूध नहीं पीना। मिला दूध नहीं पीना, बराए मेहरबानी। दोबारा सुनते हैं सिलो में। मिला ट्रिंक कीने मिल्च बिटे, इसके माने होते हैं मिला बराए मेहरबानी दूध नहीं पीना। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा। मिला डोंट ड्रिंक मिल्क। प्लीज भी आएगा। अना गे इंस क्रांकनहाउस बिटे। अना गे इंस क्रांकनहाउस बिटे, इसके माने होते हैं अना हॉस्पिटल जाओ बराए मेहरबानी। दोबारा सुनते हैं। अना गे इंस क्रांकनहाउस बिटे। अना गे इंस क्रांकनहाउस बिटे, इसके माने होते हैं अना बराए मेहरबानी अस्पताल जाओ। इसमें जो गे लिखा है जर्मन में पिंक कलर से, इसके माने होते हैं गो जाना। अच्छा, इसी जुमले को हम किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में। आना आना गो टू द हॉस्पिटल प्लीज, आना बराए मेहरबानी अस्पताल जाओ। आगे बढ़ते हैं। Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen, इसके माने होते हैं मुझे सर दर्द है। मुझे सर दर्द है। दोबारा सुनते हैं। Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen, इसके माने होते हैं मुझे सर दर्द है। इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। I have a headache, मुझे सर दर्द है। आगे बढ़ते। How do you say headache? Headache को आप किस तरह से कैसे बोलते हैं। Headache के माने होते हैं दर्द सर, सर का दर्द। तो हेडेक को आप
जर्मन में क्या बोलते हैं? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. आगे बढ़ते हैं. Ich brauche eine Tablette, bitte. Ich brauche eine Tablette, bitte. इसके माने होते हैं बराए मेहरबानी मुझे एक गोली की ज़रूरत है. दवाई की गोली होती है ना, पिल. इश हाँ बे इश भगाओगे एने टेबलेट है बिटे. इसके माने होते हैं मुझे एक गोली की ज़रूरत है बराए मेहरबानी. ऐसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? आई नीड अ पिल प्लीज़. बराए मेहरबानी मुझे एक गोली की ज़रूरत है. आगे बढ़ते हैं. हाउ डू यू से पिल? पिल को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? पिल के माने होते हैं गोली, दवाई की जो गोली होती है पिल. तो पिल को आप किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? टैबलेट. टैबलेट. आगे बढ़ते हैं. पेयर मैच करते हैं एट नाइट. एट नाइट होता है रात को, तो जर्मन में होता है नाइट्स. मच. मच माने होता है ज़्यादा, तो जर्मन में क्या होगा? फियर. पिल. पिल माने होता है गोली, तो जर्मन में क्या होगा? टैबलेट. सेट. सेट के माने होते हैं उदास, तो जर्मन में क्या होगा? ट्रॉरिग. टायर्ड. टायर्ड माने होता है थकना, थकन, तो जर्मन में क्या होगा? मूडे. मूडे. आगे बढ़ते हैं. डू बिस्ट मूडे उन ट्रॉरिग, गे zum Arzt. डू बिस्ट मूडे उन ट्रॉरिग, गे zum Arzt. इसके माने होते हैं आप थके हुए और उदास हो. आप थके हुए और उदास हैं, डॉक्टर के पास जाएं. माइक नहीं चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर टायर्ड एंड सैड, गो टू द डॉक्टर. आगे बढ़ते हैं. तो ये तो था आज का लेसन. अगले लेसन में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.